नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय में एक दिवसीय विवॉक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिला के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों तथा स्थानीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस एक दिवसीय कार्यशाला में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थियों को कौशल विकास के तहत वोकेशनल शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के बारे में अवगत करवाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर HS चंबाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यशाला में NSDC HKVN के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान NKVN के साथ सदस्य टीम के विशेषज्ञों ने कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में वोकेशनल शिक्षा ही विद्यार्थियों में अपने स्वरोजगार तथा रोजगार पूरक है। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी शिवराम राही रिसोर्स पर्सन के रूप में मौजूद रहे। दूसरी ओर इस संदर्भ में राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर HS चंबाल ने कहा कि डिग्री कॉलेज हमीरपुर के विवॉक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों तथा स्थानीय महाविद्यालय हमीरपुर के विद्यार्थियों को एक दिवसीय कार्यशाला में वोकेशनल शिक्षा के प्रति रुझान के लिए जागरूक किया गया, जिसमें वे अपनी शिक्षा के दौरान स्वयं अपना रोजगार भी तैयार कर सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिसमें हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से लोग आए थे और हिमाचल प्रदेश कौशल निगम ऑफिशियल्स आए हुए थे। तो इसमें जो हमारा जोन पड़ता है इसमें हमीरपुर कॉलेज के साथ उन्ना कॉलेज और बिलासपुर कॉलेज का वन डे वर्कशॉप रखी थी। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। ये जो 12 कॉलेज में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है, इनमें डीवॉक के डिग्री कोर्स चला हुआ है। जैसे हमारे यहाँ रिटेल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी का है, तो ये बच्चों को खासकर अवेयर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो इसमें हमें जो हमारे नियर बाई स्कूल्स हैं उनसे भी बच्चे मंगाए थे जो वोकेशनल स्ट्रीम से आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर संजय ठाकुर जो इसके नियर ऑफिसर हैं, इन्होंने अपनी सारी फैकल्टी को नियर बाई स्कूल्स में भेज करके वहाँ से 10-12-15 ये टीम बच्चों की लाए, जिसकी सुविधा के लिए वो जो अपने वीएम की सुविधा थी को गाड़ी में वीएम ला सकती थी। तो यहाँ बच्चे आए, पार्टिसिपेट किया। हमारा जो 300 बच्चा था, हमारे अपने बच्चे भी थी वीवो के। तो ये अवेयरनेस है कि जैसे हम करते निकलते हैं तो जॉब एक एश्योर्ड है। तो ये अवेयर किया बच्चों को कि इसको उसमें जरूर आएंगे।